जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडो और लाडली, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, जो भी बच्चे ऐसे जीडी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके पास में जैसे ही नोटिस पहुंचा, कल रात को ही आ गया था, मैंने भी ये कल रात को ही देख लिया था, लेकिन इसकी पुष्टि करने के चक्कर में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, ना ही कोई अपडेट दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जज समझ लेते हैं या भगवान समझ लेते हैं, पता नहीं क्यों अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि तुरंत डिसाइड करते हैं कि ये नोटिस फेक है, दूसरा वाला तुरंत डिसाइड करता है ये बिल्कुल सही है। यानी उनको कोई परवाह नहीं पड़ता कि अगर एक बच्चे को हम ये बोलेंगे कि ये नोटिस फेक है तो वो कितना परेशान होगा इसकी सच्चाई जानने के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुरंत एक पोस्ट डालनी है, जज बन जाते हैं कि हाँ ये फेक है, जबकि उनको इस डिपार्टमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैंने आपको इससे पिछले मेरा कोई भी वीडियो देख लेना, उन सब में मैंने आपको बताया था कि 15 अप्रैल से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं कुछ वीडियो के लिंक्स नीचे डालूंगा, कम से कम 3 से 4 वीडियो जिनमें मैंने ये बोला है, और आज तक मैंने हमेशा बोला कि एसएससी जीडी के बारे में कोई भी अपडेट अगर जाननी है आपको, तो जब भी मेरा वीडियो हो सकता है कि बाकी सबसे लेट आएगा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन ओरिजिनल अपडेट के साथ आएगा, उसके बाद में कुछ भी चीज आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस नोटिस की। इस नोटिस जो ये आया है, इसमें जो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट का आपको पता जिक्र है, साथ इसमें लिखा हुआ कि 15 अप्रैल से आपके फिजिकल शुरू हो रहे। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, तो ये बता दूं, ये नोटिस बिल्कुल सही है, ठीक है, ये नोटिस बिल्कुल सही है, ये आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल सही नोटिस है, आपके फिजिकल शुरू होंगे 15 अप्रैल से। मेडिकल के लिए भी मैंने आपको बताया, साथ ही एक चीज और बता देता हूं, जो भी लाडले जो क्वालिफाई होंगे उन सबको बता दूं, प्री मेडिकल बैच हमारा चल रहा है, जिसमें लगभग अभी तक 100 से ज्यादा बच्चे मेडिकल करा के जा चुके हैं। अगर आप भी मेडिकल कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर के अकेडमी आ सकते हैं, अपना प्री मेडिकल करा सकते हैं, मेडिकल में होने वाली जो आपको भविष्य में नुकसान है उससे पहले बच सकते हैं। प्री मेडिकल के फायदे क्या है, पहले मैं आपको बता दूं, पहले से ही आप किसी बीमारी का इलाज करा सकते हो, या जिन मेडिकल पॉइंट्स में डाउट लगते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि उससे आपको मदद मिलेगी वहां जब आपका मेडिकल होगा तब, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप डॉक्टर तो नहीं है, फिर आप मेडिकल कैसे सीख। देखिए, आपका जो मेडिकल होता है अंदरूनी रूप से, वो पूरा का पूरा डॉक्टरों द्वारा ही चेक किया जाता है, मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं बाहरी आवरण यानी कौन कौन से मेडिकल पॉइंट होते हैं वो चेक करता हूँ। अंदर की जो भी आपकी जांचें होती है, जैसे ईसीजी हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, ये सारे के सारे डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 100% क्लियर करके भेजूंगा कि इसमें पॉइंट मिल सकता है या इसमें नहीं मिल सकता, ठीक है। अब बात रही इस नोटिस की, तो मैं बता दूं ये नोटिस बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसका जो मेडिक फिजिकल है वो कौन कराता है, सीआरपीएफ कराता है। दूसरी बात, हमें 1% के लिए ये भी मान ले कि ये नोटिस फेक हो सकता है, क्या मान ले, फेक हो सकता है, लेकिन इतना तो आपको पता है कि फिजिकल तो आपके अप्रैल माह से शुरू होने ही होने, तो ये नोटिस सही है या फेक है इससे कोई मतलब ही नहीं है। और फिजिकल की कट ऑफ की बात ले, वो अब ये भी दावे हो गए कि 30 तारीख को फिजिकल कट ऑफ आएगी, 31 तारीख को आएगी या आज रात को आएगी, तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि फिजिकल कट ऑफ अगर एसएससी 30 मार्च घोषित करे या 31 मार्च घोषित करे, तो भी 1 या 2 तारीख को फिजिकल की कट ऑफ आने के चांस रहते हैं, क्योंकि 1 से 2 दिन डिले हो जाता है इसके, हमेशा रिजल्ट में कम से कम 2-2 दिन का डिले चलता है, ज्यादा नहीं तो 36 घंटों का डिले एसएससी की तरफ से चलता है, पिछली पूरी भर्तियां आप चेक कर लेना लाडलू। तो ये नोटिस की बात आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि 15 अप्रैल से आपके फिजिकल शुरू होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए। दूसरी बात कि रिजल्ट जरूरी नहीं कि आपका 30 तारीख को आए या 31 तारीख को आए, हो सकता है 1 या 2 को आए, तो 2 तारीख तक आप वेट कर लीजिए, अगर 2 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर इस नोटिस को आप फेक मान सकते हैं, लेकिन मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 तारीख तक, कोई संदेह नहीं है, आपको बिल्कुल शक सवाल नहीं रखना इसमें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लाड लूँ।